नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे हिंदी का देहात और शहर, यह अध्याय जिसके लेखक अभिषेक पांडे हैं। इनका जन्म 29 जनवरी 1992 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। यह समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। समसामयिक अर्थात सामाजिक विषयों में उनकी विशेष अभिरुचि थी। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। यहाँ पर लेखक ने गांव अर्थात देहात और शहर से संबंधित विषयों पर लेखन किया है और उसी के साथ कुछ सुझाव भी दिए हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे खोजबीन दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है डाकघर से प्राप्त सेवाएँ, डाकघर अर्थात पोस्ट ऑफिस से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। तो यहाँ पर आपको डाकघर में आपको कौन कौन सी प्रकार की सेवाएं होती हैं उनके नाम लिखने हैं और वो कब ली जाती है या कब हमें उनकी ज़रूरत होती है उसका आपको सूची बनानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले पत्र के रूप में दिया हुआ है शहर और देहात का पठन लेखन किया गया है। तो यहाँ पर जो देहात है वो अपने प्रिय मित्र शहर को पत्र लिखकर कुछ बातें बताना चाहता है। तो यहाँ पर दिनांक भी लिखी है 1 अगस्त 2017। तो यहाँ पर देहात लिखता है, प्रिय मित्र शहर नमस्कार, कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। यहाँ पर जो देहात है वो शहर को कहता है कि मैं सभी बातें पत्र में नहीं कह दूरध्वनि पर नहीं कह सकता, तो इसीलिए मैं तुम्हें पत्र लिखता हूँ। अब पत्र में क्या लिखा है, अब मैं अपना दुखड़ा क्या रो, चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएँ हम तक पहुँचने लगी हैं। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती से की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधाओं के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। तो यहाँ पर देहात शहर को लिखता है कि अब हमारे यहाँ पर भी अलग अलग सुविधाएं विकसित होती जा रही है। जैसे अलग अलग परियोजनाएं निकल रही है जिसमें स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम अर्थात गांव को साफ स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, उसी प्रकार शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के भी अवसर दिए जा रहे हैं और खेती को और अधिक विकसित करने के लिए आधुनिक खेती की पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है और घर घर में शौचालय की सुविधाएं भी प्राप्त हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, हालांकि कुछ परेशानियाँ अब भी वही की वही है, पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है, महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। यहाँ पर देहात लिखता है शहर को कि इतना सुविधा होने के बाद भी कुछ ना कुछ परेशानियाँ हैं, जैसे पानी, पीने का पानी पास में नहीं उपलब्ध है तो हमें दूर जाना पड़ता है। उसी के साथ विद्यालय में जो सुविधाएं बच्चों को प्राप्त होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। महाविद्यालय था कॉलेजेस, तो जो कॉलेज है वो यहाँ से बहुत दूर है महाविद्यालय, तो बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। आगे लिखते हैं, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएँ विकसित तकनीक है। तुम्हारे दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो, यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। अब यहाँ पर गांव कहता है कि मुझे शहर को देखते हुए बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पर कितनी सारी सुविधाएं हैं और कितने अच्छे अच्छे यातायात के साधन हैं, उसी के बाद में पक्की सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं और 24 घंटे बिजली रहती है। गांव में अधिकतर बिजली की कटाई होती रहती है जिससे बिजली नहीं होती और गांव में शहरों में 24 घंटे बिजली होती है जिससे
जो शहर है वह विकसित हो रहे हैं। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। देहात कहता है कि मैं जब बहुत उदास हो जाता हूँ, जब मुझे लगता है कि पहले कितना अच्छा था, सब दूर खुशहाली थी, हर तरफ हरियाली थी और बहुत सी सुविधाएं भी थी, मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ पर देहात कहता है कि गांवों में बहुत सारी बेरोजगारी है, मतलब लोगों को रोज़गार प्राप्त नहीं है, लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और आपस में हमेशा झगड़े होते रहती है। गुटबाजी अर्थात दो जातियों या ग्रुप में या लोगों में दो प्रकार के सामाजिक तत्वों का विभाजित होकर आपस में झगड़े करना, जिससे अशांति होती है और अलग 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 समस्याओं का सामना गाँवों में करना पड़ता है। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। यहाँ पे जो गांव में अधिकतर अशिक्षित लोग रहते हैं और या कम अल्प शिक्षित अर्थात कम पढ़े हुए लोग रहते हैं, जो परिवार कल्याण और अलग अलग जैसी सुविधाओं के प्रति आज भी उदासीन है, उन्हें आज भी उसी के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, परिवार कल्याण अर्थात कि जहाँ पर जनसंख्या पे रोक लगाई जाए, अधिक आबादी ना हो, इसके लिए अलग अलग योजनाएं निकाली जाती है जो परिवार कल्याण से संबंधित होती है। फिर भी गाँव के लोग आज भी उससे उदासीन है, अर्थात अपरिचित है, उन्हें नहीं पता है और वो उनका उपयोग फायदा नहीं ले रहे हैं, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं के ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। गाँव में लोगों को रोज़गार प्राप्त नहीं होता, इसीलिए वो मजदूरी करने के लिए या काम करने के लिए शहरों की तरफ चले आते हैं और वहाँ पर उन्हें लगता है कि हमें शहरों में अधिक फ़ायदा होगा या हमें अलग अलग सुविधाओं का उपयोग प्राप्त होगा, इसलिए वह गाँव को छोड़कर शहरों की ओर आ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, बीमारियां हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है, लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूँ। यहाँ पर देहात ने बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याएं रखी है, जैसे कि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अर्थात जो हम हॉस्पिटल बोलते हैं, ठीक है, वो नहीं है। अलग अलग बीमारियां लोगों को होती है, जिससे कि वहाँ पर अच्छे अस्पताल प्राप्त नहीं होते मरीज़ों को और लोगों को ठीक समय पर दवा भी नहीं मिल पाती, जिससे देहात के जो लोग हैं वो बहुत ही दुखी है। अब देहात कहता है कि बताइए इतनी असुविधा होने पर मैं क्या करूँ, और अंत करते हुए पत्र का वो लिखता है, तुम्हारा मित्र देहात। आगे यहाँ पर शहर ने अब देहात को पत्र लिखा है, तो शहर लिखता है, प्रिय मित्र देहात नमस्कार। अब यहाँ पर उन्होंने जो शहर ने पत्र लिखा है, दिनांक 15 अगस्त 2017 को, आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों नहीं बदलती, धीरे धीरे को और भी विकास होगा। अब यहाँ पर शहर देहात को लिखता है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, अर्थात हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन सृष्टि में होते रहता है, तो इसीलिए तुम्हारा भी विकास धीरे धीरे हो रहा है। आगे लिखता है, धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए, अर्थात कि धीरे धीरे ही समय परिवर्तित होता है और धीरे धीरे अर्थात धीरे रखकर ही हमारे में सब कुछ प्राप्त होता है। जिस प्रकार माली घड़े से पौधों को सींचता है और उससे फल कुछ समय बाद ऋतु आने पर ही प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार धैर्य रखने पर ही हमें फल की प्राप्ति होती है।
आगे लिखते हैं, माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी हैं, चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगी। मेरे यहाँ के दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो, वह सबको यहाँ कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी हैं। यहाँ पर शहर देहात को समझाते हुए कहता है कि इतनी सुविधाएं हैं यहाँ पर शहर में, फिर भी कुछ परेशानियाँ है यहाँ पर। जो लोग वहाँ से यहाँ खुशहाली की प्राप्ति के लिए आते हैं, फिर भी वो चमक दमक में उन्हें लगता है कि इस शहर की प्रगति में हमें भी फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं हो पाता है। वह यहाँ आकर कभी कभी पछताते भी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यवसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। अब यहाँ पर शहर देहात को समझाते हुए कहता है कि वहाँ के लोगों को जागरूक करना चाहिए, गांवों को, लोगों को। वहाँ पर छोटा परिवार, सुखी परिवार अर्थात सीमित परिवार, हमारे दो ऐसी बातों को समझाकर उन्हें जनसंख्या को रोकने में योगदान करना चाहिए। उसी प्रकार जो व्यवसायिक कौशलों को अर्थात जो व्यवसाय से संबंधित कौशल होते हैं या शिक्षण होता है, उसकी जानकारी वहाँ के लोगों को देनी चाहिए। कंप्यूटर संबंधी जानकारी की ओर उन्हें विकसित करना चाहिए। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहाँ के बच्चों के रग रग में रच बसा है। ग्राम में अधिकतर बच्चे जो होते हैं, वह अपना जो समय है वो दौड़ कर वह खेलों में बिताते हैं। अर्थात वहाँ पर मोबाइल और टीवी जैसे साधन कम होते हैं, जिससे बच्चे अपना मनोरंजन प्राप्त करने के लिए बाहर खेलते हैं, दौड़ते हैं, तैरते हैं। उन्हें पेड़ों पर चढ़ना पसंद होता है। अर्थात खेल जो है वो ग्रामीण जीवन की आत्मा की तरह है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गाँव से ही आगे बढ़े हैं, उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। यहाँ पर जो शहर है वो देहात को समझाते हुए कहता है कि हमें उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति करने के लिए अलग अलग खेलों की जानकारी देना चाहिए और उनका विकास किस प्रकार करना चाहिए उन्हें समझाने की नैतिक जिम्मेदारी है सभी की। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। गांव हो या शहर हो, सभी दूर आबादी बढ़ रही है। उसी प्रकार आबादी बढ़ने के साथ गरीबी बढ़ रही है और गरीबी बढ़ने से अशिक्षा भी बढ़ती है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। शहर कहता है कि गांव में भी अलग अलग व्यवसाय शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कृषि से संबंधित व्यवसाय को हम वहां से शुरुआत कर वहां के लोगों की प्रगति कर सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लोपो, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। गांव में हमेशा खुला वातावरण होता है, चहल पहल होती है, हर तरफ हरियाली होती है, खेती बाड़ी अधिक की जाती है वहाँ पर, जिससे कि वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है और वहाँ के लोगों का जीवन साधारण और सादगी भरा होता है, जिससे कि गांव जो होता है वो प्रदूषण मुक्त होता है और जिससे वहाँ पर ना धुआं होता है, ना लोग वाहनों और गाड़ियों की आवाज़ें, कंपनियों का प्रदूषण कुछ नहीं होता, जिससे कि वहाँ पर आज भी प्रदूषण
मुक्त वातावरण होता है। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। यहाँ पर शहर देहात को कहता है कि शहरों में तो यहाँ वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जिससे खुला आसमान नहीं प्राप्त होता, खुले मैदान प्राप्त नहीं होते और प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है। और देहात के ऐसे वातावरणों को प्राप्त करना हमारे लिए दुर्लभ हो गया है। यहाँ पर शहर जो है वो सुझाव देते हुए देहात को कहता है कि तुम्हारे यहाँ जो तहसील और क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें गांव देहात में प्रगति करने के लिए वहाँ पर जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं, वे ही हमारे आशा स्थान है। कहते हैं ना कि युवा शक्ति में बहुत ताकत होती है, तो अगर हम बच्चों को जो शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देंगे और उन्हें उन्हें आने वाली प्रगति को प्राप्त करने के लिए अच्छे सुझाव दिए जाएंगे, तो उससे हमारे देश का विकास भी होगा और गांवों की व्यथाएं भी कम हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। शहर कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो सुझाव दिया है उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। अब वह अपने पत्र का अंत करते हुए कहता है, तुम्हारा अपना शहर। इसी के साथ आपका देहात और शहर यह अध्याय समाप्त होता है। तो आपको इस अध्याय को अच्छे से पठन करना है और इसके शब्दार्थ आपके नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।